नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, नागपुर में कुराड़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अगर ये मैं सवाल करूं तो आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें आएंगी कि कुराड़ी में कुराड़ी माता की मंदिर है, कुराड़ी में महाजन को का थर्मल पावर प्लांट है, और एकाध किसी बड़े पॉलिटिशियन का नाम आपको ध्यान में आ रहा होगा। साहब, इसी सर्कल में इसी दर्जी के 1 किलोमीटर पे रहते हैं, और ये जितने भी बच्चे बैठे इन्होंने अवरात्र मेहनत करके भाजपा की हमारे भवन कौड़े साहब को चुन के लाया है कि आज भी तुम्हारे साथ में, कल भी तुम्हारे साथ में। दोस्तों, उसी कोराड़ी में, कोराड़ी थर्मल पावर प्लांट के पास 13-14 दिन हो गए, 13-14 दिन से लगभग 200 लोग आम मरण उपोषण पे बैठे हैं। इसी हमारे जगह पे माँ जगदम्बा है, ये जगदम्बा का आशीर्वाद आपको लग जाएगा, जो भी इनका परमानेंटली है वो देना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि 8 से 10 एडमिट करना पड़ रहा है, और आने वाले समय में और भी लोगों को एडमिट करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी बात यह है कि यह खबर कहीं नहीं आई। इस खबर को कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं। उनके दर्द को हमने समझा, उनकी पीड़ा को हमने समझा, तो वाकई में उनका ये उपोषण करना ऐसा लगा कि यह जायज है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो करोड़ों का काम कर रही है, करोड़ों फायदे में है, वो जिस जमीन पे है वो किसी न किसी किसान की है। 1 एकड़ से लेकर सूत्र बताते हैं कि 52 एकड़ तक, 52 एकड़ तक की जमीनें हैं। हमारी मांग ये थी कि महानिर्मिति कंपनी ने हमारी जमीनें लेने के बावजूद हमको अभी तक परमानेंट नौकरी नहीं दी है। हम पिछले 5 से 10 साल से सिर्फ ऑन ट्रेनिंग बेस पे यहाँ काम कर रहे हैं, और हमारी जो उम्र है अभी निकल रही है, कोई हमारे साथी 45 साल के हो गए है, हमारी पूरी जनरेशन ये खराब कर रहे हैं। तो इनको हमारी रिक्वेस्ट है कि कितने दिनों तक हम सिर्फ प्रशिक्षण ले। लगभग पिछले 12 साल बीत गए, और पिछले 12 साल से कई ऐसे लोग हैं 5, 6, 8, 10, 12 साल से वहाँ पे प्रशिक्षण के नाम पे जॉब कर रहे हैं। प्रशिक्षण के नाम पे जॉब वो कर रहे हैं जिनकी ज़मीनें गई थी। अच्छा, जॉब इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी जब ज़मीनें गई है तो उनकी जगह पे नौकरी लगनी चाहिए। हमारी मांग यही है कि कंपनी ने हमारी जो जमीनी ली है उसके बदले हमको परमानेंट नौकरी पे जल्द से जल्द ली जाए। अगर नहीं लिए तो हम ये उपोषण पीछे लेने वाले नहीं है जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। दोस्तों, अब नौकरी देने की बात है तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, महाजन को का ऐसा कहना है कि अगर किसी को नौकरी चाहिए तो वो एग्ज़ाम दे, रिटर्न एग्ज़ाम पास करे, कॉम्पिटिटिव जिसे आप कह सकते हैं, और उसके बाद वो नौकरी पे लगेगा। अब सवाल एक उठता है, सरकार से भी, ये निर्णय देने वालों से भी, चाहे माननीय न्यायालय हो या सरकार हो या फिर कंपनी हो, जिस वक्त उनकी ज़मीन को लिया गया उस वक्त ये नियम नहीं था, लेकिन अब ये नियम आ गया है। अब मुझे बताइए कि नौकरी करते करते, उम्मीद करते करते, उम्र के 45 साल बीत गए, उनकी एजुकेशन क्या होगी जिनकी उम्र आज 45 साल है, 8, 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके कभी भी ऐसे नहीं लग सकते हैं। तो उनके साथ एक तरीके का अन्याय हो रहा है, और इसी अन्याय के खिलाफ न्याय लेने के लिए यहाँ पे किसान भाई बैठे हैं। देश में सबसे आसान चीज है किसानों को दबा देना। हम अभी यहाँ कोराडी और खापरखेड़ा टीपीएस से 175 लोग हैं, लेकिन हमको ऑल ओवर महाराष्ट्र जैसे पारस, परड़ी, भुसावर, नासिक, यहाँ से हमको समर्थन है, और कोई संस्था है जो भी हमारे पीछे खड़ी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये 12-14-15 हज़ार पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको आज तक पीएफ, ईएसआईसी कुछ नहीं मिलता। और खास बात यह भी है कि इन्हें यूनियन बनाने से भी वंचित रखा जाता है। ऐसा एक सिग्नेचर किया है इन्होंने, एक एग्रीमेंट किया हुआ है, यूनियन भी नहीं बना सकते हैं कोई, ना इन्हें पीएफ दिया जाता है। प्रशिक्षण कितने महीने का होता है, कितने साल का होता है? 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, लेकिन यहाँ तो सालों साल से प्रशिक्षण ही ले रहे हैं। प्रशिक्षण के नाम पर इन्हें नौकरी पर रखा गया, ना पीएफ से वंचित रखा गया है इनको, ना ही इनको ईएसआईसी दिया जाता है। ये सारे मामले धीरे धीरे हम उठाएंगे। हम पीएफ, ईएसआईसी, ये सब चीजों से वंचित है क्योंकि हम वी आर ओनली ट्रेनिंग बेसिस नाउ, तो सिर्फ प्रशिक्षण पे ही है। तो ये 12 साल का प्रशिक्षण ही ले रहे हैं। जी जी जी, लेकिन कोई भी संस्थान का प्रशिक्षण 1 साल, 2 साल या 3 साल रहता है, लेकिन हम पिछले 8-10 साल से सिर्फ प्रशिक्षण पे ही यहाँ है। हमारा जो सैलरी है वो हेड ऑफिस से होता है मुंबई से, हमारी सैप आईडी बनी है,
तो वो हमारे अकाउंट में डाला जाता है, लेकिन वो 14-15-16 हजार ही है, उसके बावजूद हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता। वो आज भी अगर कुछ मिला है तो अपने पैसे से सब करना है हमको, ना पीएफ कटता है, ना हॉस्पिटलाइज का कोई खर्चा, कुछ भी नहीं मिलता। और ये खबरें यहाँ यही नहीं रुकती है, महाजन को के खिलाफ जितनी भी न्यूज आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। खैर कुछ न्यूज आ भी गई हैं, लेकिन इस उपोषण के बाद हम महाजन को के कई अहम खुलासे करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि आखिर इस पे क्या होता है, हमारी नज़र बनी हुई है और हर खबर हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे, सच दिखाए बिना छुपाए। जय हिंद।